जैसा जो हो सके अपने मन से श्रद्धा से जीव से दान करो। ये तीन बातों को आपको आज के नियम के रूप में पालन करना। मंदिर दर्शन का नौवां नियम, जब तक तीर्थालय में रहना, जब तक उस देवालय में रहना, अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहना। गुरु मंत्र का आप जाप करते रहोगे, दर्शन के दर्शन, लाभ के लाभ। बहुत से लोग हमको मिलते, हम बहुत पूजा पाठ करते, फल नहीं मिलता। आपके मंदिर जाने का तरीका बहुत गलत है। फिर सज्जन बैठ के जा रहे थे रस्ते में इनसी बात बताई, क्या करते हैं आप? बोले बैंक कर्मचारी हैं, पुराना जमाना। यही उत्तराखंड की घटना है, आप बुरा मत मानना, विनोद की बात है। उत्तराखंड का चंगीलाल रिक्शा पर बैठा मंदिर जा रहा था। एक सज्जन बगल में बैठे थे, उन्होंने पूछा क्या करते हो? चंगीलाल ने कहा बैंक में है, मैनेजर है। भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की कृपा से 10,000 रुपया का बैंक बैलेंस। उस जमाने में 10,000 बहुत होते। अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ, पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया बढ़िया। बूट सूट बूट में बढ़िया बैठे, बड़े आनंद के साथ में बैठे। रिक्शा गया, मंदिर के सामने खड़ा हुआ, और जैसे ही रिक्शा सामने खड़ा हुआ, उतरा सामने मैदान में, उसने जूते बाहर निकाले, नए जूते थे। कुछ लोगों को दिखावा की बड़ी गुड़िया, कुछ लोग ऐसे होते हैं नई नई गाड़ी ने, और गाड़ी अगर दूर खड़ी करनी पड़े तो वो चाबी भी फंसा देते उंगली में, ताकि लोगों को लगे कि ये कार की चाबी। उन्होंने उतारी बाहर, मंदिर में अंदर आए, अब मंत्र तो करें, तुमेव माता च पिता तुमेव। फिर देखे लगे लाल हमारे हैं, तुमेव बंधुश्च। फिर जगदीश की प्रार्थना की जगह जूतों की प्रार्थना। हम जब रात को बैठे थे, चाचा जी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे थे, हमने पूछा, हमने कहा जो अपना मंडल 400 लोगों को आया, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, शिकायत तो नहीं है कोई? एक जने खड़े हुए बोले, गुरु जी एक शिकायत बहुत आ रही। बोले क्या? हमने पूछा क्या? बोले चप्पल जूते चोरी हो गए। हमको बताया, हमें बड़ी हंसी आई। तब हमें विनोद आया कि आप मंदिर आए, ठीक है, कुछ प्रारंभ भी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। इनका काम ही है हरण करना। चोर ने जूते हरण कर लिए, भगवान से प्रार्थना करो कि जगदीश तुम्हारा चित्त हरण कर ले, तुम्हारे मन का हरण कर ले भगवान बद्रीनाथ, तुम्हारे मन का। मंदिर में आप जाओ, प्रार्थना बहुत श्रद्धापूर्वक करो, इस नियम को पुनः सुनो, बहुत श्रद्धापूर्वक। घुस गए, लय हो गए, जैसे दूध पानी में मिल जाता है तो वो अपने मूल पर पहुंच जाता, दूध के मूल पर, वैसे ही भक्त को भगवान के चरणों में ऐसे ही लीन होना चाहिए जैसे दूध पानी में लीन हो जाता है।